आउज बिल्लाम शवान बिस्मिल्लाम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्तस पर जो खातमीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलाम वालेकुम मैं वाले हूँ वाले मोमिना मेहरबान और आप वाल देख है मेरा चैनल पीर कामिल आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 2023 के खुशकिस्मत तरीन के हवाले से है इस्लाम का कहाँ तक ताल्लुक है तकदीर से खुशकिस्मती से इन शाह तला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी वो कौन से जो की खुशकस्मत तरीन है और क्या इसके हवाले ऐसी जो है वो हिदायात है अदीस मुबारक में इनके हवाले ऐसी खुशकिसमती के हवाले ऐसी तकदीर के हवाले ऐसी या इन चीजों के हवाले ऐसी क्या कहा गया है इन मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी क्या एक इंसान की तकदीर जो है वो लिखी जा चुकी है और उसको जो उतारा जा चुका है क्या इंसान कहाँ तक खुद मुख्तार है या ऐसा जैसा उसने सुन लिया है वैसा ही होगा इस चीज पर यकीन रखना या इस चीज को मानना कहाँ तक ठीक है इनशाला मुकम्मल तौर पर आपसे जिक्र करूंगी और दो हजार तेईस में खुशकिस्मती किस तरह से आपके कदम चुम सक, सकती है इनशाला वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी वीडियो को गौर और सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सके वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अगर आप मजीद अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे तकदीर का लगवी मन है अंदाजा लगाना फिका की किताबों में है कि दुनिया में जो कुछ होता है जो बंदे जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला ने अपने इल्म अजली से द प्रोपेचुअल नॉलेज से इसे जाना और लिख दिया है इसी का नाम तकदीर है यानी जैसा हम करने वाले थे वैसा इसने लिख दिया है तो इसके इलम या लिख देने से अल्लाह करीम ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया अल्लाह तला ने बंदे को इख्तियार भी दिया है की एक काम चाहे करे या ना करे इसके साथ अक्ल भी दी है की भले बुरे नफा नुकसान की पहचान कर सके आदमी पत्थर की तरह बेहिश तो नहीं अल्लाह ने बना दिया तकदीर पर ईमान और अकीदा रखना जरूरियात दीन में से है हर मुसलमान पर वाजिब है की वो तकदीर पर वैसा ही अकीदा रखे जैसा इसे हुक्म दिया गया है हर इंसान की तकदीर में अच्छा भी लिख दिया है और बुरा भी लिख दिया है और ये इंसान के ऊपर छोड़ दिया है की वो किस रास्ते को चुनता है पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलम खुद इर्शाद फरमाते हैं की अगर तुम औहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करो तो अल्लाह कबूल न देगा जब तक तुम तकदीर पर ईमान ना लाओ इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत के दो गुरु हैं जिनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है मरजिया और कदरिया कदरियों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठने बैठने हत्ता के कलाम करने से भी मना फरमाया यानी जो तकदीर पर यकीन नहीं रखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये बीमार पड़े तो इनकी बीमार पुर्सी तक ना करो अगर ये मर जाए तो इनके जनाजे में भी शिरकत ना करो यानी कि इस्लाम में किताबों पर रसूलों पर हशरों नशर पर जैसा ईमान रखना मतलूब है वैसा ही अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना भी एक मुसलमान के इस्लाम में दाखिल होने की निशानी है मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिसके मशहूर कातिब हदीस हदीसत अब्दुल्ला बिन उमर है फरमाया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मखलूक की तकदीरें आसमान और जमीन की पैदाइश से पचास हजार वर्ष पहले लिख दी थी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे मजदूक खबर दी कि जब इंसान अभी पैदा भी नहीं होता दुनिया में भी नहीं आता कि एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से चार बातें बताकर इसके पास आता है वो फरिश्ता मौत इसका रिस्क बदब्त है या नेक वक्त है सब कुछ लिख देता है फिर उसके बाद इस इंसान में रू फूक दी जाती है उसके अलावा इंसान किस कदर मुख्तार है कितना मजबूर है की इसका अपना इरादा ज पर कहा तक हावी है और नाताज के इस इरादे से कैसे आजाद है जरा आप जानिए तो सही अल्लाह ने हर चीज जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाई है मर्द औरत जोज, दिन रात जोज नेकी बदी जोड़ा के पहाड़ भी मेल और फीमेल होते हैं दिल में लहू भी अल्लाह करीम ने दो तरह के पैदा फरमाए है एक साफ खून है और एक गंदा खून है साथ साथ है इसी तरह अगर सिर्फ पॉजिटिव करंट से रोशनी पैदा करेंगे तो बिजली हरगिज नहीं चलेगी फिर नेगेटिव भी मिलाना पड़ता है ऐसे इंसान के खुद मुख्तारी और किस्मत है साथ साथ रेल की पटड़ी की तरह चलते हैं जहाँ दोनों का मेल होता है वहीं पर करंट पैदा होता है तो लिहाजा अगर आपकी तरक्की का बुका नूर है तो इसी तरह बर्बादी का अंधेरा जो है वो घुप आपकी बर्बादी की तरफ आपको लेकर चला जाता है तो आपने इन दोनों को मिलने से रोकना है की आपने अल्लाह करीम पर यकीन रखना है की अल्लाह ने मेरी अच्छी और बुरी तकदीर लिखी है दो हजार तेईस में ये सोच बदलने की जरूरत है आपको कि बेशक अल्लाह करीम ने इंसान अभी दुनिया में भी नहीं आया है और अल्लाह तला ने उसके लिए हर चीज तय कर दी इंसान असल में दो पाओं का जानवर है इसका एक पाओ तदबीर से उठता है और दूसरे कदम इसको इसको जो है वो किस्मत लेकर चलती है। आपका डीएनए ये बात तय कर देता है की आपकी आंखों का रंग आपके बालों का रंग जो है वो क्या होगा और यहाँ तक बात तय कर दी जाती है की आपका कद कितना होगा ये है आपकी किस्मत अब इन बालों को इन रंग को इन कद को जो चार चांद हैं वो तदबीर के जरिए से लगाए जा सकते हैं किस्मत जब गुंदी हुई मट्टी है कोई इससे ईंटे बनाता है कोई कूजा तैयार करता है कोई इस मट्टी में फूल उगाता है। खुद आपने इस तकदीर को बदलना है किस तरह से अल्लाह करीम का वादा है ये सच्चा वादा है हर एक के लिए अल्लाह का वादा है अल्लाह जो चाहता है इसे मिटा देता है ये फरमाने लाही है सूर्य राध की आयत नंबर अठतीस ता उनता सूर्य रात की आयत नंबर अट्ठतीस उनतालीस अल्लाह करीम फरमाते हैं की हर एक का वादा लिखा हुआ है अल्लाह जो चाहता है इससे मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रखता है इसी के पास असल किताब लोहे महफूज है रसूल ने फरमाया है तकदीर को दुआ ही रोक बदल सकती है और नेकी उम्र में इजाफा करती है जब आप नेक रास्ते पर चलते हैं तो आपकी उम्र भी लंबी होती है आपको माल और दौलत आपको हर चीज आपको नसीब में आ जाती है अब एक बार उम्र फारूक रजी अल्लाह तेतुल्ला का तवाफ करते हुए रो रु, रो कर दुआएं मांग रहे थे की ए अल्लाह अगर आप मुझ पर कोई बदब्ती लिखती है तो इसे मिटा दीजिए अगर कोई खुशकिस्मती खुशबी लिख दी है तो इसे बरकरार रखिए क्योंकि आप जो चाहते हैं। अमूल किताब लोहे महफूज आपके पास है इसलिए बदबकती को सदत से और गुनाह को नेकी से बदल दीजिए तो ये चीज की आपको अल्लाह करीम ने हर चीज आपके नसीब में लिखी आपके नसीब में इल्म भी है दौलत भी है इज्जत भी है शोहरत भी है अब आप उसको उस मट्टी को जिससे अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया अब आप उसमें कौन सी चीज में उसका कूजा बनाते हैं या उससे आप फूल उगाते हैं ये अब आप पर अल्लाह ने छोड़ दिया कई लोग ऐसे देखे गए हैं दुनिया में जो गरीब थे गरीब से गरीब तरीन थे उन्होंने अपनी अकल से और अपनी सोच से और सही रास्ते को जब चुना तो अल्लाह करीम ने उनको मालो दौलत खुशकिस्मती हर चीज इनायत फरमा दी बहुत सी मिसालें इस दौर में भी पाई जाती है जो की पहले तो इतने अमीर नहीं थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज वो दुनिया के बेहतरीन और अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है क्योंकि तो इंसान सारी जिंदगी इज्जत दौलत शोहरत ताकत हकूमत की चाहत में ही गिरफ्तार रहता है हालांकि ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से हैं इंसान बेबस था और रहेगा मगर ये जाम खुद मुख्तारी है की जो इसके अंदर तस्नीम की खो पैदा होने नहीं देता इंसान ता हयात यही सोचता है की मैंने ऐसा क्यों किया नादा ये समझता ही नहीं है कि तकदीर में जो महफूज में है वो अल्लाह ने उसके इख्तियार में रखा है अगर वो चाहता तो वो इस रास्ते पर नेकी के रास्ते पर सीधे रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजें लिखवा सकता था जो अल्लाह ने लिखी है अल्लाह करीम ने हर एक को नसीब से नवाजा है रिस्क से नवाजा है दौलत से नवाजा है अब उन तरीकों पर आप किस तरह से चलकर उन चीज को हासिल करते हैं ये आप पर अल्लाह ने छोड़ दिया है नबी करीम ली सल का इर्शाद मुबारक है कि इंसान जो है तब तक मोमिन नहीं है जब तक तकदीर पर ईमान न लाए इसकी भलाई पर भी और इसकी बुराई पर भी यहाँ तक के यकीन कर ले के जो बात वाक्य होने वाली थी वो इससे हटने वाली ना थी अब जो हो गया है वो हो गया वो आप उस लाइन से गुजर चुके हैं लेकिन आइंदा के लिए अच्छी तकदीर के लिए आपको ये कोशिश करनी होगी कि की अहकाम खुदाबंदी की पाबंदी रखिए और अपने अंदर ये कुत इरादी पैदा करे इनशा अल्लाह ने मेरे लिए अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर दोनों लिखी है तो मैं इनशाला चल कर अपने नसीब को इस साल में जगमगाऊंगा उन रास्तों को इख्तियार करूंगा जो मेरी कामयाबी के दरमियान में हायल नहीं होंगे बल्कि मुझे सीधा मंजिले मकसूद तक ले जाएंगे उम्मीद करती हूँ आपको खुशकिस्मत बनाने में कामयाब हो जाएंगे और इन तमाम बातों पर अमल करेंगे कि अल्लाह करीम ने आपको कितना अख्तियार दिया है दुआओं के जरिए से और आपके खुद के इरादों के जरिए से कि आप किस तरह से अपनी तकदीर को चमका सकते हैं पांच वक्त की नमाजों का अहतमाम कीजिए अल्लाह तरह के अहकाम का भी अहतमाम कीजिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे इसी के साथ इजाजत चाहूंगी आखिर अल्लाह हाफिज